हाय गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। कल के वीडियो में आपने देखा होगा जो कि मैंने बर्थडे का वीडियो डाला था, वहाँ पर मुझे बहुत सारे पैसे मिले थे। ऑब्वियसली गिफ्ट के तौर पे ज़्यादा कोई गिफ्ट रिसीव नहीं हुआ था, बट देन एक गिफ्ट ऐसा है जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है और मुझे वो अगली दिन मिलता है, अगले शाम को मिलता है, और वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो मैं भी आपको कुल मिला के दिखा देती हूँ कि मेरे पास अभी इस समय कौन से गिफ्ट्स अवेलेबल हैं जो मुझे मेरे बर्थडे पे मिले थे। तो सबसे पहले ये जो एक प्यारी सी बैग है, ये मेरे कज़न्स ने मुझे दी थी, मेरे चाचा चाची की फैमिली ने, उनके बच्चों ने दी थी, विच इज़ वेरी क्यूट। आई लाइक द पर्स, अच्छा है, कैरी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कैरी कर सकते हैं, और स्पेस बहुत अच्छा है, इसीलिए ये पर्स मुझे अच्छी लगी। ठीक है, अभी मैं आपको सबसे छोटा छोटा ही आइटम दिखा रही हूँ, क्योंकि बड़ा आइटम हम सीधा लास्ट में देखने वाले हैं। उसके बाद एक और जो गिफ्ट बहुत ही प्यारा है वो ये है, ये मैं बहुत टाइम से कॉलर माइक लेना चाहती थी, तो ये कॉलर माइक अगेन मेरे भाई ने मुझे दिया है। तो मैं आपको अब दिखाती हूँ इसको खोल के कि ये कैसा है, और अब ना हम इससे ही बात करेंगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि कैसा डिफरेंस है। क्योंकि अभी टीवी का आवाज़ मैंने बंद नहीं किया है, जानबूझ के बंद नहीं किया है, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शो यू द डिफरेंस। तो अभी हम इसको ओपन करेंगे और इसको लगा के यूज़ करेंगे, एंड देन यू विल हियर इसका ऑडियो। लेट्स गो। ओके, सो नाउ इट इज़ कनेक्टेड, और अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो इस माइक के साथ है। आप डिफरेंस देख पा रहे होंगे कि कितना डिफरेंस है। पहले के इसमें ऑडियो में आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि वो टीवी का बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड और सब कुछ आ रहा था, बट इससे नहीं आ रहा होगा। ये कॉलर माइक है तो इसको यहाँ पे लगा सकते हैं, जब मैं बोलूँगी तो मैं आराम से बोल सकती हूँ इससे। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है सबसे बड़े गिफ्ट की, जो मुझे बहुत ही महंगा गिफ्ट लगा अभी तक का। मेरे बर्थडे पे इतना महंगा गिफ्ट मैंने कभी नहीं लिया। हाँ, कपड़े की शॉपिंग मैंने 10-10, 15-15 हज़ार तक करी हुई है, बट स्टिल इतना बड़ा गिफ्ट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। सो ये है गिफ्ट, ये कुरियर रिसीव हुआ था अगले दिन यानी 18 तारीख की शाम को, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। पार्सल तो मैंने खोल लिया था बिकॉज आउट ऑफ द अर्ज कि क्या है ये देखने के लिए, मैंने फटाफट उसको खोल के देख लिया था। मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें क्या है। सो हियर इट इज, दिस इज अ गो कैम, जस्ट लाइक GoPro, यस दिस इज अ गो कैम जो मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट किया है, एंड इट कॉस्ट 9,300 रुपीज, विच इज लाइक ऑलमोस्ट 9,500 का। और ये जो माइक है ये तो बहुत पहले मिल गया था, लेकिन ये उसके अगले दिन रिसीव हुआ, एंड आई वॉज सो हैप्पी टू यू नो गेट दिस। मैंने जैसे इसको ओपन किया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पर एक चीज़ थी कि मुझे कुछ पता नहीं था इसको ओपन कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है, तो आई वॉज वेटिंग फॉर माई ब्रदर टू कम एंड एक्सप्लेन मी। तो उस दिन इवनिंग तक लेट तक वो घर पर आया, और उसके बाद ही एक्सप्लेन मी। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा सब कुछ है। मोटर बाइक के लिए आप यूज़ कर सकते हैं या कहीं और के लिए, और ये है हमारा कैमरा, दिस इज द गो कैम। ये कैमरा है, ये जो शील्ड है ये इसके वाटरप्रूफ की शील्ड है, ताकि इसमें पानी ना जाए, पानी के साथ भी इसको यूज़ किया जा सके। और अगर मैं अभी इसको निकाल के आपको दिखाऊं, सो दिस इज द कैमरा, बहुत ही क्यूट लिटिल कैमरा है। आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट, यस। दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत बढ़िया सा है। इसमें अब स्विच ऑन करके मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ। हियर इज माई फेस, आपको एकदम नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बट सून आई विल स्टार्ट रिकॉर्डिंग विद दिस कैमरा। और इसके क्या फीचर्स हैं, सब कुछ कैसा है, ये अच्छा है कि नहीं है, मुझे कैसा लगा, और इसके ब्लॉग्स किस तरीके से शूट होंगे, ये सब कुछ मैं अभी अगले वीडियो में आपको बताऊंगी।
और शायद हो सकता है मैं इसी से अब अगले वीडियो शूट करना शुरू करूं, बट एकदम मैं से घाई घाई नहीं कर रही हूँ, आराम से कर रही हूँ, क्योंकि आई आई नीड सम टाइम टू अंडरस्टैंड दिस कि इसको कैसे यूज करते हैं, बिकॉज यू नो डेलिकेट चीज है। अगर इसका मैं नहीं, क्योंकि इसका मैंने देखा है कि जब मैं इसको टच कर रही हूँ ना, तो इट अनॉयज मी व्हेन इट इज नॉट वर्किंग, कि ये ऐसे ही क्यों है, वैसे ही क्यों, क्योंकि ये स्क्रीन टच है। तो जब मैं स्क्रीन टच कर रही हूँ तो मेरा ऐसे हो गया कि ये साइड मूव कर रही हूँ, फिर ऐसे कर रही हूँ, फिर बैक स्पेस कैसे जाएगा ये वो, तो फिर थोड़ा सा इरिटेट होता है। सो इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस, बट सून आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड विद दिस, और मैं इसको अपने फोन के साथ लिंक भी कर सकती हूँ। इसमें SD कार्ड पड़ता है, जो कि अभी तक मेरे पास नहीं था, बट कल ही मैंने इंसर्ट करा है, मतलब भाई ने इंसर्ट करा है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बैटरी वगैरह है, मैं आपको अगले वीडियो में सब बताऊंगी। तो या दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव गिफ्ट दैट आईव रिसीव्ड ऑन माई बर्थडे, पहली बार, वरना बर्थडेज पे ना मैं ऐसे खाली हाथ ही रह जाती हूँ। या मतलब गिफ्ट विफ्ट तो मिलते हैं, बट यू नो इतना महंगा गिफ्ट नहीं मिलता है, और जब अपने ही काम की चीज हो ना तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। या दैट इज इट, आज यही था बताना आपको कि मेरे बर्थडे के दिन क्या क्या मुझे रिसीव हुआ है। बाकी सब तो पैसे मिले हैं, तो उसका तो कोई ये नहीं है, उसका दुख ही नहीं है मुझे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। सो या दैट इज इट फॉर द वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अच्छा मैं इसका नाम भी बता देती हूँ, क्या नाम है, डिजिटेक 5 अल्ट्रा एक्शन, देख लो 5 अल्ट्रा एक्शन HD कैमरा, एक्शन कैमरा, और गो कैम है। अगली वीडियो में पूरा रिव्यू दे दूंगी, ठीक है। सो या आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।